आज हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं लोहिया पथ चक्र का। दरोगा राय पथ में और बेली रोड में कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, क्या वर्क प्रोग्रेस है, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। आपके सामने जो तस्वीर है ये दरोगा राय पथ की है। दरोगा राय पथ में उस जगह की है जहां पर लोहिया पथ चक्र का निर्माण चल रहा है। एक फ्लाईओवर, एक अंडरपास यहां पर आप देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बीपीएससी कार्यालय के पास जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे, साथ ही बेली रोड में जो चल रहा है उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे, सर्कुलर रोड में जो चल रहा है उसकी भी दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अंडरपास जो आ रहा है हड़ताली मोड़ के तरफ से उसकी है। हम चलेंगे अभी आगे और आपको जो प्रोग्रेस इसका हो रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दिखाने के पहले हम आपको बता दें कि ये तस्वीर हमने 22 अप्रैल को ली थी जो आपके सामने है। यहाँ पर उस दिन जब मैं गया था तो ये नया निर्माण होता हुआ हमें दिखा था। ये एक नया अपडेट है जो यहाँ पर बनाया जा रहा है पानी के लिए या यूटिलिटी के लिए, जो भी बनाया जा रहा है उसके लिए ये एक नया निर्माण होता हुआ मैंने देखा। आगे जो टावर नुमा आप देख रहे हैं वहाँ पर अंडरपास का काम चल रहा है, उधर ही हम बढ़ रहे हैं। ये तो आपको पता ही, इधर का तो मैंने आपको दिखाया ही है कई बार। यहाँ पर जो फ्लाईओवर है ये कनेक्ट होना बाकी है आगे की तरफ, और इस तरफ ये अंडरपास का जो काम है वो चल रहा है। क्योंकि चूंकि यहाँ पे पानी का थोड़ा सा परेशानी है, पानी निकलते रहता है नीचे से, तो उसकी वजह से कई बार इसका अलाइनमेंट भी चेंज करना पड़ा है। ये देख सकते हैं सरिया वगैरह यहाँ पे रखा गया है और इसे कंक्रीट किया जाएगा रख करके इसके स्थान पे। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कंक्रीट ये हो गया है, ये दीवार पहले नहीं था अब बन गया है, और ये जो लोहे के चादर थे वो सब बाहर निकाल दिया गया है, इन्हीं की सपोर्ट से कंक्रीट हुआ है। पिछली बार जब आए थे तो यहाँ पे छोटा सा लोहे का पुल बना हुआ था जो अब नहीं है। और यहाँ पर जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है ये देख सकते हैं पूरा पानी भरा हुआ है इसमें। ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस प्रोजेक्ट की और इसी कारण इन्हें काफ़ी परेशानी भी हुई है। देख सकते हैं ये सब पिछली बार आए थे तो कंक्रीट हो रहा था लेकिन हो गया है, और दीवार भी कंक्रीट हुई, शटरिंग लगा हुआ ये देख सकते हैं। ये छड़िया वगैरह भी यहाँ पे है, ये तस्वीर आपके सामने है। ये फ्लाईओवर केवल स्टेट होगा, देखते तो उसका टावर जो है, हालांकि इसका टेक्निकल नाम कुछ और है, हम टावर ही बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं इधर से भी आपको तस्वीर दिखा देते हैं, ये सब लोकेशन समझने के लिए हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंक्रीट जो हुआ है वो स्ट्रक्चर तो आपके सामने है ही, ये देख सकते हैं टावर नुमा। अब इसमें केबल लगेगा और जैसा अभी बेली रोड में है वैसा दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंक्रीट वगैरह हुआ है और सेटरिंग किया हुआ है, ये देख सकते हैं। इधर अभी फिलहाल ये नहीं हटाया गया है, खाली है। ये देख सकते हैं ये तस्वीर आपके सामने है, अभी हम वहीं पर थे वहाँ से इधर आए हैं। और ये देख सकते हैं कि पूरा जो इनका वॉल है, साइड वॉल है, ये बनकर के तैयार है। अब कुछ कुछ काम बचा हुआ है और उसका काम चल रहा है। तो यही तस्वीर है लोहिया पथ चक्र का, जो दरोगा राय पथ में काम चल रहा है उसका। तो लोहिया पथ चक्र का काम भी चल रहा है दरोगा राय पथ में, ये देख सकते हैं आपके पीछे है। समय समय पर हम आपको इसका अपडेट देते रहते हैं और इसके बन जाने से एक बात तय है कि जो ट्रैफिक की समस्या आए दिन होते रहती है उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। जो इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भी है, हम चलेंगे सर्कुलर रोड की तरफ और ललित भवन की तरफ और वहां से आपको तस्वीर दिखाएंगे इस प्रोजेक्ट की। ललित भवन के पास और एक अन्य मार्ग की तरफ जो रास्ता जाता है ये लोहिया पथ चक्र का, ये अंडरग्राउंड चला जाएगा नीचे और उस तरफ से एक फ्लाईओवर आ रहा है जो वो इधर से निकलेगा सीधा।
तो ये देख सकते हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इधर भी ये सब कुछ कुछ प्रोग्रेस तो हुआ हुआ दिख रहा है। अब चलते हैं उधर और बीपीएससी ऑफिस की तरफ भी चलेंगे और देखेंगे कि उधर क्या स्थिति है। ये जो आप कंक्रीट देख रहे हैं जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ, ये हाल ही में कंक्रीट किया गया है और साइड में भी उसे घेरने के लिए बनाया जा रहा है, देख सकते हैं वहाँ पे शटरिंग के लिए। ये तस्वीर आपके सामने है, सामने ललित भवन भी आपको दिख रहा होगा कैमरे में। एक अंडरपास है जो हड़ताली मोड़ के तरफ जाएगा। ये सब नया डेवलपमेंट है, ये देख सकते हैं रोड के किनारे साइड बैरियर को ये बनाया गया है। उधर फ्लाईओवर अंडरग्राउंड जो जा रहा है वो है जो निकल जाएगा उधर आपका हड़ताली मोड़ के तरफ, और वो फ्लाईओवर सामने देख रहे हैं जो इधर से आ रहा है बीपीएससी ऑफिस की तरफ से। और ये अब आगे चलते हैं, आगे की तस्वीर दिखाते हैं। ये देख सकते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए ये सारा कुछ व्यवस्था किया जा रहा है यहाँ पर। ये मेजर वर्क है इसका जो चल रहा है, और ये देख सकते हैं कि गहराई काफ़ी है नीचे, और उस वाल को खींच करके फिर ऊपर ला करके ये लोग काम करेंगे। ये देख सकते हैं यानी कि जो चारों तरफ से इसको वॉल से कवर किया जा रहा है कंक्रीट के वॉल से, और उसके बाद फिर वो जो अंडरग्राउंड उधर से हड़ताली मोड़ की तरफ से आ रहा है वो आकर के इसमें मिल जाएगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं काम चल रहा है, कंक्रीट होगा जो आप जो नीचे चादर देख रहे हैं वो उस लेवल पे रोड का निर्माण होगा, दोनों तरफ कनेक्ट हो जाएगा, और उसके नीचे जो है पानी वगैरह के लिए सम्पिंग के लिए ये सब किया जा रहा है। उधर पाइप भी बड़ा सा देख रहे हैं सामने कि लगा हुआ है ये, और नीचे पानी वगैरह अगर जमता है तो उसे निकालने के लिए सम्प की मदद से, मशीन की मदद से वो पानी बाहर निकाला जाएगा। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं पूरे वाटरप्रूफ सीट के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, और अभी थोड़ा वक्त लगने वाला है इसे कंप्लीट होने में। कितना लगेगा ये कहना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कंप्लीट होगा, जल्द ही कंप्लीट होगा ये भी मन में विश्वास है। ये देख सकते हैं ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अभी जो ट्रैफिक है हड़ताली मोड़ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो ट्रैफिक उधर इस वाले फ्लाईओवर से उस केबल स्टेट ब्रिज की मदद से वो जा रहा है, उसका पार्ट नहीं है, वो इधर से आकर के इसमें इस फ्लाईओवर में कनेक्ट होगा, और ये हड़ताली मोड़ की तरफ जाएगा वो है ये अंडरपास आप देख रहे हैं। ये देख सकते हैं इधर भी वॉल तैयार है और उधर केबल स्टेट ब्रिज जो है वो तो है ही। बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय के पास अभी हमें यहाँ पर देखे थे जो अंडरपास बनाने का काम चल रहा है, ये तस्वीर आपके सामने है। काम इसका चल रहा है और ये देख सकते हैं कि सरिया वगैरह कंक्रीट करने के लिए बांधा गया है, काम चल रहा है वाटर प्रूफ सीट के साथ, ये देख सकते हैं। तो यही अपडेट है, इस प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। बिहार के विकास की तस्वीर आप तक पहुँचे उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। हम फिर मिलेंगे किसी और अपडेट का। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।